एसएससी की तरफ कभी अपनी भीख मांगती है, अपनी हक की भीख मांगती है, तो कभी अपने हक के लिए लड़ने को तैयार होती है। मैं वो आवाज हूँ। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी या एसोसिएशन से नहीं है जो चेहरा अपना बना के दुनिया में सबके सामने कोई विधायक या नेता बनना चाहते हैं। हम एक स्टूडेंट हैं, एक ऐसे स्टूडेंट हैं जब अपने घर से आते हैं ना तो वादा करके आते हैं कि हम उनके सारे सपनों को पूरे करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और लास्ट में हमें क्या मिलता है, जो साइड में बंदा बैठता है ना वो पास हो जाता है बिना कुछ मेहनत करे। हम हर बार 2 या 3 नंबरों से रह जाते हैं। समझ नहीं आता अपनी लाचारी पर रोएं या अपने जुनून पर हंसें। वो एक गांधी थे ना जिसने आधे नंगे फकीर ने इस देश का भविष्य बदल दिया था। यहाँ आज सैकड़ों गांधी हैं, यहाँ आज सैकड़ों फकीर हैं। चलाइए लाठियां और मारिए बंदूकें। आज या तो इंसाफ जलेगा या इस देश का हर एक युवा जलेगा। यहाँ पे एक जो वुमन्स है ना, नारी शक्ति, उसने अपना बहुत अच्छा रोल निभाया है। रोल मेंस ने भी निभाया, लेकिन ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कही जाती है ना, वहां पे कंधे से कंधा मिला के जिस दिन 27 फरवरी से पहले दिन प्रोटेस्ट चालू हुआ था, उस दिन से आज तक वुमन्स अपना सारा साथ, लड़कियां अपने हक के लिए आपके बराबर में खड़ी हो रही हैं। तो मैं उन लड़कियों की तरफ से कोई संदेश देना चाहती हूँ एसएससी वालों को। सीता नहीं मैं सतयुग की जो तिनके की यार दिखाऊंगी, सीता नहीं मैं सतयुग की जो तिनके की यार दिखाऊंगी, रावण की दी हुई धमकियों से घुट घुट कर ही मर जाऊंगी। क्या राम लखन की बाट लिए वर्षों तक अश्रु बहाऊंगी या प्रमाण सत्य का देने को धरती की गोद समाऊंगी। मैं नारी हूँ इस काल की जो, मैं नारी हूँ इस काल की जो सीता का धर्म निभाती है, पर आज जो आए गौरव पे तो काली भी बन जाती है, तो काली भी बन जाती है। जो समर बीच संग्राम लड़े दशमुख तुझ में वो बात कहा, जो नारी तेज की शक्ति सहे रावण तेरी वो जात कहा। द्वापर की नहीं द्रौपदी मैं अपमान घूट पी जाऊंगी, दुर्योधन से प्रतिशोध को फिर मैं केश खोल दिखलाऊंगी। क्या भरी सभा में चीर हरण पर कृष्ण पे धीर धराऊंगी या गदा भीम को हाथ दिए प्रतिशोध की आग बुझाऊंगी। मैं नारी हूँ इस काल की जो, मैं नारी हूँ इस काल की जो द्रौपदी का धर्म निभाती है, पर आज जो आए गौरव पे तो काली भी बन जाती है। जो समर बीच संग्राम लड़े जब शस्त्र तीर तलवार लिए नारी रण बीच उतरती है, संघार भय मात्र से ही धरती के रूप पिघलती है। ऐसा ही संकट आन पड़ा तेरे हक पे ए नारी, फिर अपना इतिहास बदलने की है नारी तेरी बारी। फिर चुपचाप अहिंसक बाणों से तेरी चुप्पी मैं तोड़ूंगी, चुपचाप अहिंसक बाणों से तेरी चुप्पी मैं तोड़ूंगी। तू बचले एसएससी कितना, मैं भांडा तेरा फोड़ूंगी, मैं भांडा तेरा फोड़ूंगी। वो हक तूने जो छीना है मेरा वो खून पसीना है, वो हक तूने जो छीना है मेरा वो खून पसीना है, वो हक तूने जो छीना है मेरा वो खून पसीना है। तेरी काली करतूतों से अब ना अपना मुंह मोड़ूंगी, तू बचले एसएससी कितना, मैं भांडा तेरा फोड़ूंगी, मैं भांडा तेरा फोड़ूंगी। जो जुनून और उत्साह के साथ हम पिछले 1 महीने से यहाँ पे बैठे हैं ना, वो जुनून और उत्साह आज अपनी आखिरी चरम सीमा पे है। अब या तो आर या फिर पार। जय हिंद। हेलो, हम कहना चाहते हैं कि हम ना तो कोई सेओ सारी करेंगे, हम ये एक बात कहना चाहते हैं कि बहुत सारे वक्ताओं ने आया, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, और कोई भी आंदोलन जो होता है ना, उस आंदोलन को पैदा करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, और खासकर युवाओं को चलाने के लिए। ऐसा तो हमको नहीं लगता है कि हिस्ट्री से हम एमए किए हैं, हमको नहीं लगता कि 1974 में जेपी का जो आंदोलन हुआ था, उन्होंने कहा कि जनता आती है कि सिंहासन खाली करो, और इंदिरा गांधी की सरकार डोल गई, और हम लड़के रात रात भर ट्रेन में खड़ा होके बिहार से, जयपुर से, राजस्थान से, अलग अलग जगहों से आए हैं। कोई बच्चा अपने गार्जियन को नहीं बताया है, कोई पॉकेट खर्चा कहीं से मैनेज कर रहा है, बहुत कष्ट करके आया है। हम कहेंगे कि मेरे आंदोलन में चूक हुई है, हम लोगों के आंदोलन में। यहाँ आंदोलन में आया तो 9 बजे शुरू हो चुकी थी, सुबह में मैं सुबह उतरा 8 बजे और यहाँ 9:30 पहुँच गया, लेकिन मैंने देखा कि आंदोलन को सही दिशा और सही चीज़ कोई नहीं देने वाला है। सही मुद्दा हम लोगों की मांगे थी कि CBI जांच हो, ये हाथ में मेरे पास पड़ा है मेमोरेंडम है इसका, कि 8-9 मांगे हैं जो जांच हो।
सरकार नहीं सुनती है, सरकार बहरी होती है, प्रशासन हो सिस्टम हो सब जो है भाई सरकार की मदद करती है। कल हम भी जॉब में आ जाएंगे, कल आप भी जॉब में आ जाइएगा, आप वही करिएगा जो सरकार करेगी, नॉट की डीसीपी साहब का चाहेंगे वो सरकार करेगी, सरकार आदेश देती है वैसे होता। मैं एक बात मूल बात दो तीन बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर आंदोलन यहां से निकलता है मित्रों तो आंदोलन मीडिया कर्मी रहेंगे सब रहेंगे, एक ऐसा आंदोलन निकालो, एक ऐसा सब आंदोलन निकालो, बहुत सारे होंगे उग्र प्रवृत्ति के। हम युवा में जोश होता है होश नहीं होता है, लेकिन हमको जोश नहीं होश का परिचय देना है और ये आंदोलन अहिंसात्मक होना चाहिए। कोई लड़का आप चलिएगा यहाँ से आंदोलन चलेगी तो देखिएगा बहुत सारे हमारे भाई हैं उग्र प्रवृत्ति के हैं, उनको तोड़फोड़ नहीं करना है। जब आपका आंदोलन अहिंसात्मक हो जाएगा आपका आंदोलन फ्लॉप हो जाएगा, न तो सरकार तक मांग पहुंच पाएगी और न हम कल मीडिया कर्मी भी दिखाएगा कि आंदोलन अहिंसात्मक हो गया। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग 29-30 दिन से आंदोलन करना चाह रहे हैं। आपको मैं बता दूँ, हम सब पेपर पढ़ते हैं, अभी बिहार SI में हुआ पेपर आउट था, 8 दिन आंदोलन मार्च चला, याचिका दायर किया है पटना के लड़कों ने 500 रुपया देके। आप पढ़ते होइएगा MPSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का 15 क्वेश्चन गलती आता है, क्या बताइए जो DSP बनेगा जो SP ब्रांक का अधिकारी बनेगा उसका। छत्तीसगढ़ की अभी मुद्दा थी वहाँ जो है, छत्तीसगढ़ के मुद्दा में 1 से 76 तक का ऑप्शन ये था। तो हम लोग भिन्न भिन्न है आक्रोश आंदोलन, हमको नहीं लगता कि इतना बड़ा आंदोलन कभी पैदा होगा, इसलिए भाइयों हम सब जब आंदोलन करने चलेंगे तो अहिंसात्मक रूप से चलेंगे, अपनी मांग रखेंगे, प्रशासन की तरफ से अगर कोई हिदायत आएगा नारेबाजी करेंगे वहीं बैठ जाएंगे, इस तरह का करेंगे हम प्रशासन के बातों का उल्लंघन करके और लाठीचार्ज करके आंदोलन को तीतर बितर नहीं करेंगे किसी भी स्थिति में। तो सरकार चाहेगी प्रशासन चाहेगी आपको उकसाए, आप पर डंटा चार्ज करे, आपके आंदोलन का रास्ता बिगाड़ दे, है ना। 2-3 बज गए, मैं पूछता हूँ स्कोर कमिटी से, मैं अपने आप से पूछता हूँ, आपसे पूछता हूँ, भाषणबाजी माइक पर आके हम भाषण दे दिए, हम वक्ता बन गए, हम वक्ता बनने नहीं आए हैं भाई, हम शेरो शायरी करने नहीं आए हैं, हम हल्ला बोल का नारा करने आए हैं। तो चिल्लाने ट्विटर है, ट्विटर पर PMO के मैसेज करने से कुछ नहीं होता है, फेसबुक व्हाट्सएप सब शेयर करने से कुछ नहीं होता है। युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ ये सब नहीं कीजिए, सिस्टम से चले आंदोलन करें और सरकार को मजबूर करा दे कि आप हमारी आंदोलन को मानो और वो आंदोलन अहिंसात्मक होना चाहिए, अहिंसात्मक हल्ला बोल होना चाहिए, उग्रवाद उग्र प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बाती को विराम देता हूँ। हल्ला बोल, हल्ला बोल, सारे बात।